नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पांच स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों, काफी ज्यादा चर्चित स्टॉक है ये आजकल। स्टॉक्स के नाम बता देता हूं पहले। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक, दिन के दौरान मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, उस वीडियो में कुछ कमेंट्स थे जिनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दूसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये क्यों गिर रहा है ये एक पहला सवाल है। दूसरा क्या करें, दूसरा सवाल है। और तीसरा, चाइना में जब अच्छी खबर है, चाइना में जब तेजी है, तो टाटा मोटर्स क्यों नहीं चल रहा है, इसका तो बड़ा कारोबार है चाइना में JLR का, तो इसके ऊपर बात करेंगे। थर्ड है विजया डायग्नोस्टिक। दोस्तों देखते ही देखते स्टॉक लाइफ हाई पे आके खड़ा हो गया है, 300 रुपए से 900 रुपए हो गया है, और आज भी 8% भागा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं 8% भागा है, वॉल्यूम्स पे नजर डालोगे तो 9 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं डेली एवरेज वॉल्यूम से, तो उसके बारे में डिटेल दूंगा। ट्राइडेंट टेक्सटाइल की तेजी में पार्टिसिपेट करने लगा है क्या, क्योंकि आज की गिरावट में 2.5% ऊपर बंद हुआ है, और उससे भी इंपॉर्टेंट 6 गुना वॉल्यूम्स आए हैं आज इस स्टॉक में, और बीते 2 दिनों से कंटिन्यू स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो ये स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग बनता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं हमेशा इस स्टॉक पे बुलिश रहा हूं, काफी बार डिस्कस भी किया है निचले स्तर से। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सबसे इंटरेस्टिंग नाम होगा, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, निफ्टी का सबसे हैवी वेटेज। इस स्टॉक ने इस नई सीरीज की शुरुआत करी तेजी से, फ्राइडे याद है आपको बहुत तेज भागा, ऐसा लग रहा था मंथ निकल गया, शॉर्टर्स भाग गए, अब तेजी शुरू, तो ऐसा लग रहा था कि अक्टूबर का मंथ स्टॉक ऑफ द मंथ हो जाएगा ये, और अगले ही दिन ऐसी पिटाई पड़ी है कि पूरा मार्केट टेसनेस कर दिया इसने। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक, दोस्तों 100 रुपए के नीचे निकल गया है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर। डिटेल में मैंने वीडियो बनाई थी दिन के दौरान, कुछ लोग कह रहे थे भाई पहले आप कह रहे थे 90 से 100 के बीच में लेना है, और आज कह रहे हो आप 75 से 80। एक्चुअली में भाई मैंने प्राइसिंग को लेकर तो बहुत कम बात करी है इस स्टॉक पे, मैंने अगर इस पे 10 वीडियोस बनाई है तो 10 वीडियो में 8 वीडियो में मैंने कहा कि 35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी आ जाएगी तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, और वो भी सिर्फ उस पैसे को लेकर कि मैंने लगाया एंड दैट्स इट, ये चला भी जाएगा मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है चला जाएगा, ये मैं सोच कर लगाऊंगा, क्योंकि इस कंपनी के अभी मेरे पास बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है। मैं एक थॉट प्रोसेस लेके जा रहा हूं कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, मार्केट को लीड कर रहा है टू व्हीलर्स की ईवी सेगमेंट में, और आगे बड़ा गेम प्लेयर बनेगा, और 35 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ तक पहुंचा तो मेरा पैसा 3 गुना हो जाएगा। और यही कहते हुए मैंने आपसे कहा 55,000 करोड़ रुपए की पैसा मत लगाओ, यहां से आप कितना बना सकते हो और कितना गवा सकते हो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो अभी मत लगाओ, अगर नीचे आएगा तो लगाना, और नहीं आया नीचे तो कोई बात नहीं, बाजार में कमी नहीं है, ये भी मेरे वर्ड्स थे। जरूरी नहीं है जैसा हम सोचें वैसा हो ही जाए, अगर मैं 140 150 रुपए पे 80 रुपए की सोच के बैठा हूं तो मैं पागल भी हो सकता हूं, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर आई शेयर तो ठीक निकला, मैं बात खत्म, यहां पे प्रोबेबिलिटी होती रहती है दोस्तों, कभी कोई ठीक कभी कोई ठीक। अभी 99 रुपए है, देखो 35,000 करोड़ के मार्केट कैप में और 41,000 करोड़ के मार्केट कैप में ज्यादा फर्क नहीं रह गया, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5-6,000 करोड़ का, ठीक है। अब आप कह रहे हो मैं यही ले लूंगा, वहां तक आए नहीं आए तो आपकी मर्जी है, आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बट इतना कह रहा हूं पैसा लिमिटेड ही लगाइएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर में बन गया तो ठीक, ना बने तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा पैसा ही तो लगाया था आपने, बस इतना ही कहना चाहूंगा अभी इस स्टॉक के बारे में। बाकी कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, मार्केट में गाड़ियां बिक रही हैं, बट नेगेटिव पॉइंट है कि सर्विस अभी तक नहीं आ रही है तो कंज्यूमर खुश नहीं है, और कॉम्पिटिशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, चाहे वो हीरो हो, टीवीएस हो, बजाज हो, बट अभी ईवी में उन सबके हेड कर रहा है, उस सबको लीड कर रहा है, बट वो डेफिनेटली ईवी में भी आएंगे और बढ़िया करेंगे, अभी हैं बट थोड़ा थोड़ा है, जैसे ही फुल फ्लेज वो कोशिश करेंगे अपने आप को ड्रिवन करने की वो कर देंगे ड्राइव। आगे दूसरा है टाटा मोटर्स, दोस्तों चाइना से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है JLR में, प्रॉब्लम JLR में इसलिए पूरे इस समय कहीं ना कहीं हर जगह ऑटो को लेकर डिमांड कम हो गई है, इसलिए चाइना में तेजी के बावजूद ये शेयर नहीं चल पा रहा है। चाइना में अभी BMW का इंटरव्यू आया, उन्होंने गाइडेंस के कटौती कर दी कि प्रीमियम गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है, अब JLR भी तो प्रीमियम में ही आता है, तो इसके चलते टाटा मोटर्स अभी उतना खुशी नहीं मना रहा है जितना बाकी स्टॉक्स बना रहे हैं जो चाइना से रिलेटेड है। बाकी मेरा मानना है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच मैच होती रहती है, चलती रहती है, लेकिन ये स्टॉक बाय ऑन डिप है कि क्लियर कट, आप अगर व्यू रखते हो मोर देन 10 मंथ या मोर देन 12 मंथ्स का तो ये स्टॉक नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। 974 पे है, 11 के पीई पे है, और थोड़ी बहुत डिप आएगी, 920 चाहता हूं वैसे मैं, जैसे मैं ओला इलेक्ट्रिक में 35,000 करोड़ का मार्केट कैप चाहता हूं, उसमें 920 चाहता हूं, लेकिन इसमें मेरे को ऐसा नहीं कि लिमिटेड पैसा लगाना है, डर है नहीं, मेरे को पता है पैसा बन जाएगा, मैं 920 पे बढ़िया लगाऊंगा, उसके बाद और गिरेगा और लगाऊंगा, और यहां भी लगा दूंगा तो भी बनेगा, बस मेरे को स्टैगर्ड वे में इसको खरीदना है, इतना मेरे को पता होना चाहिए, पैसा होना चाहिए मेरे पास इतना।
नेक्स्ट है दोस्तों विजय डायग्नोस्टिक। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस स्टॉक ने अपने आईपीओ के बाद से इन्वेस्टर्स को बहुत बुरा नुकसान दिया था, लेकिन आज इसने सबको खुश कर दिया क्योंकि लाइफ हाई हिट किया है, तो जिसने जिस भाव पे खरीदा सबका पैसा बना है। हालांकि ऊपर से नीचे भी आता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स पे नजर डालो दोस्तों, जहां पे 5 लाख 1 लाख 2 लाख शेयर्स ट्रेड होते हैं, वहां आज 24 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं। बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ भागता हुआ दिखा है, 9% की तेजी आई है। बस इतना ही कहना चाहूंगा 80-90 के पीई पे आ चुका है ऑलरेडी, तो मोमेंटम के साथ कितना ऊपर जाएगा नो वन नोज, बट थोड़ा सावधानी बरतें, वैल्यूएशन अब स्ट्रेच हो रहे हैं। नेक्स्ट ट्राइडेंट दोस्तों, कमाल कर रहा है स्टॉक भाई साहब, 3% ऊपर बंद हुआ है लगभग 36.66 रुपए के भाव पे, 3.25 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, मोमेंटम कैच करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टॉक बेचना ही नहीं है भाई साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं कि बैठे रहोगे बनाओगे पैसा। मैंने आपके साथ 26 रुपए पे बोला था, मैंने आपसे 30 रुपए बोला था, 33 रुपए बोला था, 40 रुपए पे भी बोला हुआ है, अभी तो नीचे भी है 40 रुपए से, बट अभी टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हुआ, एक बीच बीच में बाउंस बैक आता है फिर गिरता रहता है, हो सकता है कल से फिर गिरावट शुरू हो जाए। तो नीचे में ना आप इसको सिर्फ और सिर्फ 33 रुपए करीब उठाने के बारे में सोचो, आप आराम से बैठे रहो 1 साल 1.5 साल 2 साल, 50 रुपए आएगा मजे लेना, 50% अगर 2 साल में भी आ गया तो भी खुश होना चाहिए आपको, ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिलायंस, रिलायंस के बारे में बात करें, 4020 करोड़ का तो हुआ है टर्नओवर। अब मैं इसकी आपके साथ कैंडल शेयर करूं दोस्तों, तो कल जितनी तेजी से भागा उससे डबल तेजी से आज गिरा है स्टॉक। लगभग 3 दिन की तेजी स्टॉक ने एक सिंगल डे की कैंडल में पूरी पार कर दी है, मतलब भर दी है, नीचे आ गया 3 दिन पुराने लेवल्स पे पहुंच चुका है स्टॉक, जिसमें बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से बड़ी तेजी चल रही थी इस स्टॉक में, वो सारी तेजी एक दिन में खा गया रिलायंस का शेयर। अब ऐसा क्या हुआ है दोस्तों, देखो अज्यूम कर सकते हैं हम, फैक्ट तो पता नहीं है, अज्यूम ये कर सकता हूं मैं, एक्सपायरी के पहले दिन यानी कि इस अक्टूबर सीरीज के फर्स्ट डे लोग बाय करते हुए देखे, तेजी में आते हुए देखे, लग रहा था फ्रेश लाइफ ही लगाएगा, और दूसरे दिन सेलिंग लगता है कि ऊपर से सबको ट्रैप कर लिया, कॉल राइटिंग कर दी गई और नीचे जा रहा है। बट इन सबसे ऊपर अगर मैं एक्सपायरी को भूल जाऊं और सिर्फ टेक्निकल्स पे बात करूं, तो टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि भैया रेंज प्ले हो रही है, ऊपर में लगभग 3150, नीचे 2840 से 2880, और उस रेंज के मिडल में नीचे में खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रिलायंस नाम है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, सिंपल है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।